सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर आपको हम बताने वाले हैं कि गूगल फोटोज एप्लीकेशन पर जो दोस्तों फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा है तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम फ़ोटो अपलोड करते हैं तो यहाँ पर है जो हमारा फ़ोटो अपलोड नहीं होता है, ठीक है, ये यहाँ पर इस तरीके से रन कर रहा है तो आपके भी इस तरीके से दोस्तों जो रन करता रहता है, ठीक है, लेकिन फ़ोटो अपलोड नहीं होता है तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर गाइस मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर प्ले स्टोर पर आकर यहाँ पर आपको गूगल Google यहाँ पर PHOT फोटोज मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर इसको अपडेट कर देना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको इसको अपडेट करना है, ठीक है। अपडेट करने के बाद दोस्तों आपको जाना है बैक, ठीक है, अपडेट होने के बाद फिर जाना है आपको मोबाइल की सेटिंग वाले एप्लीकेशन के अंदर, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करके एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर ऐप्स वाला, तो ऐप्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। अब जाना है आपको ऐप मैनेजमेंट में, और ऐप मैनेजमेंट में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है दोस्तों गूगल, ठीक है, गूगल PHOT फोटो, ठीक है, PHOT फोटो, ठीक है। तो गूगल फोटो यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, तो आपको ओनली करना क्या है, गूगल दोस्तों है जो यहाँ पर आपको फ़ोटो पर ही, या तो आपको ओनली दोस्तों फ़ोटो सर्च कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर फ़ोटोज़ से एप्लीकेशन से ये मिल जाता है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको जो परमिशंस में जाना है, परमिशन अलाउ कर देनी है, उसके बाद डाटा यूजिंग में आएंगे तो इन दोनों को ऑफ़ रखना है। इन दोनों को ऑफ रखोगे दोस्तों ये ऑन होगा, ठीक है। तो इन दोनों को ऑफ़ रखने पर आपका जो डाटा यहाँ पर कंज्यूम नहीं करता है, ठीक है, वाईफाई से ये ओनली डेटा लेगा। तो इन दोनों को ऑन कर दोगे तो आपका मोबाइल का डेटा ही उपयोग लेने लग जाएगा, और जो भी दोस्तों आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, जैसे कि यहाँ पर मैं किसी भी फ़ोटो को यहाँ पर इन तीन फ़ोटो को अपलोड करके देख लेते हैं, ठीक है। मोर अर्चिव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो फ़ोटो हमारे चले गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अर्चिव के अंदर चले जाएंगे, यहाँ पर आपके डल जाएंगे। तो इस तरीके से आप डाल सकते हो। अगर आपको गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि दोस्तों हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।